Okay, so the next topic that we are going to discuss is determining if you should buy website maintenance package. Okay, so there are several elements that go into determining whether you should purchase a website maintenance package. Okay, so what are the those factors? First is the size of your website. ओके अच्छा जनरली क्या होता है देखिए आप खुद मेंटेन कर सकते हैं आज के टाइम में क्योंकि आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है ठीक है ऊप्स का इस्तेमाल होता है तो अब उसमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू पर आप जाकर के अपना जो भी कंटेंट है वो वहां पर डाल सकते हैं आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं तो अगर आप चाहें तो खुद भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके यहाँ आईटी सपोर्ट स्टाफ है तो और अदरवाइज आप किसी दूसरे मतलब थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं टू मेंटेन योर वेबसाइट ओके सो द साइज ऑफ योर वेबसाइट इसके ऊपर डिपेंड करता है द पर्पज ऑफ योर वेबसाइट क्या पर्पज है आपकी वेबसाइट का है ना हाउ मच ऑफ योर वेबसाइट इज कस्टमाइज्ड कंटेंट अच्छा देखिए मेक और बाय एनालिसिस में ये सबसे बड़ा जो कंसीडरेशन है कि आप अगर आप कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं ठीक है तो वो आपको जनरली कह सकते हैं कि वो वहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन रहती है जब आप किसी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो यू नीड टू टेक इन केयर ऑफ सो हाउ मच ऑफ योर वेबसाइट इज कस्टमाइज्ड कंटेंट ठीक है एंड हाउ क्विकली इज योर वेबसाइट ग्रोइंग योर बिजनेस ग्रोइंग तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यू नीड टू मींस सेलेक्ट द पैकेज ऑफ योर वेबसाइट मेंटेनेंस ओके सो हाउ क्विकली योर बिजनेस इज ग्रोइंग हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव विद वेबसाइट मेंटेनेंस इज योर वेबसाइट करेंटली आउट ऑफ डेट and how much time do you have to dedicate to website maintenance okay to generally dekhiye aap apni core competency se keh sakte hain jo aapki core competency hai production ya kuch service provide karana theek hai to pata chala aap wo kaam chhod kar ke aur aap apni website maintain karne mein lag jayenge theek hai to that's why you will choose the third party for website maintenance purpose okay website aapne kahin se banwa li hai ya khud banayi hai aur uske baad aap use time to time maintain nahi kar pa rahe hain या आपको एक्सटर्नल ब्लॉगर्स चाहिए जो कि आपके लिए ब्लॉग्स लिखें ठीक है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो डिटेल्स वगैरह है वो सब मेंटेन करें अपडेट करें आपकी प्रोडक्ट लाइन अगर कुछ नया आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो उसको आप पॉपुलराइज करें है ना मार्केट करें ठीक है कुछ नए ऑफर्स हैं वो अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने हैं तो वो सब उसका ध्यान रखें तो इस तरीके के लिए आपको कुछ कह सकते हैं कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट मेंटेनेंस पैकेज यू शुड चूज अगर कुछ इस तरीके के फैक्टर्स हैं तो ठीक है सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसीडर मींस यू शुड बाय द वेबसाइट मेंटेनेंस पैकेजेस ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क